नमस्ते दोस्तों, मुंडा किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश साई, आप देख रहे हैं मुंडा किसान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज लगा रहे हैं खेत के अंदर प्याज लगाएंगे। तो अभी ये मेरे यहाँ पर पंजीरी लगाई हुई थी, 100 ग्राम पंजीरी थी और इसको मैंने यहाँ पर लगाया था और इतनी बड़ी बड़ी हो गई है ये देखिए। और मैं इसको है ना यहाँ से है ना उखाड़ कर है ना, और इस ये बाल्टी है इसके अंदर दबो कर इस बठड़ के अंदर डाल कर खेत के अंदर लेकर जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये मिट्टी साथ में आ जाती है, तो इसको इसके अंदर इस तरह से करके इसका वेट कम कर देते हैं और इस बठड़ के अंदर डाल रहे हैं दोस्तों, और खेत में जाकर इसको लगाएंगे। तो आज आपको इसी के बारे में व्लॉग देखने को मिलेगा। तो इस तरफ दोस्तों ये गोबर की खाद है जो गट्टों के अंदर हमने डाल ली है और इस गाड़ी के अंदर खेत के अंदर लेकर जाएंगे जहाँ प्याज लगाने हैं। वहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स करके फिर प्याज लगाएंगे। तो आ गए हैं दोस्तों खेत के अंदर, और जो गोबर की खाद थी वो हमने इस क्यारी के अंदर अच्छी तरह से खिंडा दी है और अब कसी से मिक्स करेंगे। और ये प्याज की पंजीरी फिर इसके अंदर लगाएंगे, आज रात को इसके अंदर सिंचाई भी कर देंगे। इधर है हमारी जवी, उस तरफ सरसों और इस तरफ भी सरसों, तो इसको सरसों में सेकंड सिंचाई करेंगे आज। दोस्तों प्याज की पंजीरी लगा दी है, देखिए बठड़ एकदम खाली हो गया है। तो अभी चलते हैं घर पर, शाम होने वाली है और रात को इसके अंदर सिंचाई करेंगे क्योंकि नहर की पानी की बारी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, लगा रहे हैं सरसों के अंदर पानी। दे दोगा के? ठीक है, कितने पर तोड़े करे है? कितने पर तोड़े करे हैं? वो महीने महीने बारी आवा यार, याद ही कोरा टाइम। तो दोस्तों आज 22 दिसंबर है और हमने आज 15 बीघा सरसों के अंदर नहर का पानी लगा दिया है दोस्तों। और ये सभी सरसों हैं जो जिसके 15 बीघा उसके अंदर सेकंड सिंचाई हुई है, और 10 बीघा सरसों पहले इस वीडियो में आपने देखी थी वो थी, और 1 बीघा सरसों ये रही, और 4 बीघा सरसों ये है इसके अंदर पानी हमारे लग गया है। तो दोस्तों आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर व्लॉग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मैं इस चैनल पर विलेज लाइफ वीडियो अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।